सो हेलो गाइस, आज हम आए हुए कृष्णा कार्स। ये सेकंड हैंड कार्स में डील करते हैं। इनकी लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं हुंडई क्रेटा की। ये 2019 मॉडल है और ये ई प्लस वेरियंट देख रहे हैं आप। अभी हम इसके सभी डिटेल्स की बात करेंगे, बेसिकली एक्सटीरियर इंटीरियर प्राइजिंग। सो सबसे पहले लुक्स की बात करें तो काफ़ी बढ़िया लुक्स मिल जाते हैं आपको हुंडई क्रेटा के। न्यू जनरेशन से तो काफ़ी बढ़िया लुक्स मिल जाते हैं आपको, ओल्डर जनरेशन में काफ़ी स्लीक एंड एग्रेसिव लुक्स दिए गए हैं। एंड अब इसके फ्रंट की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स, काफ़ी स्लीक डिज़ाइन में दिए गए हेडलैम्प्स। और आपको फ्रंट में क्रोम ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा। एंड नीचे आपको मिल जाएगी सिल्वर कलर की स्किड प्लेट और सेकेंड ग्रिल बिल्कुल वाइड ओपन दी गई है। और यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे फॉग लैम्प्स, इसके अराउंड आपको LED बेस्ड DRS भी दिए गए। एंड अब साइड प्रोफाइल की तरफ चलें तो साइड प्रोफाइल से आपको कुछ ऐसे लुक्स मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया लुकिंग मिल जाती है आपको हुंडई क्रेटा। नई वाले जनरेशन से तो काफ़ी बढ़िया लग रही है ये। और अब व्हील्स की बात करें, व्हील्स में आपको अलॉय व्हील्स दिए गए विद व्हील कवर्स। एंड साइड प्रोफाइल में आपको प्लास्टिक के व्हील आर्चेस एंड साइड ग्राइडिंग भी दी गई है। व्हील्स के साइज़ की बात करें, साइज़ में आपको मिल जाएंगे 205/65 R16 के टायर्स। ओल्स ऑफ कमोड फ्लैश भी दिए गए हैं एंड टर्न इंडिकेटर्स ORS भी दिए गए। ORS आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं और डोर हैंडल्स आपको क्रोम में मिल जाएंगे। एंड साइड प्रोफाइल में आपको क्रोम की विंडो गार्निश भी दी गई है। ओल्सो आपको इसमें रेन वाइजर भी मिल जाएंगे और रूफ के ऊपर आपको मिल जाएगी सिल्वर कलर की रूफ रेल्स। ओल्सो आपको यहाँ पे एंटीना भी दिया गया है। और अब बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल से आपको कुछ ऐसे लुक्स मिल जाते हैं। बैक प्रोफाइल से भी काफ़ी एग्रेसिव लुक मिल जाते हैं हुंडई क्रेटा, काफ़ी बेहतरीन लुक्स मिल जाते हैं हुंडई क्रेटा में। एंड अब टेल लाइट्स की बात करें, टेल लाइट्स आपको रिफ्लेक्टर बेस दी गई हैं, स्प्लिट टाइप मिल जाती है टेल लाइट्स। ओल्सो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स एंड रिवर्स पार्किंग लाइट भी रिफ्लेक्टर बेस दी गई हैं। एंड बम्पर के ऊपर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। ओल्सो बम्पर के नीचे भी आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगी क्रोम की नंबर प्लेट गार्निश, यहाँ पे हुंडई का लोगो दिया गया है, बट रियर विंडशील्ड पे वाइपर एंड डिफोगर नहीं दिया गया और हाई स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो चलिए अब देख लेते हैं हुंडई क्रेटा की बूट। बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिल जाएगा। एंड बूट की बात करें तो बूट आपको काफ़ी प्रैक्टिकल मिल जाती है, बिल्कुल फ्लैट मिल जाती है आपको बूट। यहाँ पे ट्रे के नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा, स्पेयर व्हील भी आपको सेम साइज़ का मिल जाता है। ओल्सो जैक एंड टूल किट भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। बूट के राइट साइड आपको कुछ स्पेस मिल जाता है। एंड यहाँ पे लाइट भी दी गई है। ओल्सो पार्सल ट्रे भी मिल जाते हैं आपको बूट में। एंड बूट के ऊपर आपको मिल जाएगी प्लास्टिक इंसुलेशन, यहाँ पर बूट क्लोज करने के लिए स्पेस भी दिया गया है। सो चलिए अब देख लेते हैं इसका इंटीरियर। सो आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर मिल जाता है विद ब्लैक एंड ग्रेइश कलर। और यहाँ पे डोर के ऊपर दिए गए कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ओल्ड पावर विंडोज़ मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉक अनलॉक बटन, यहाँ पे चाइल्ड लॉक दिया गया है, यहाँ पे डोर पकड़ने के लिए स्पेस। डोर पैनल्स आपको हार्ड प्लास्टिक में मिल जाते हैं। और सो डोर हैंडल्स भी आपको प्लास्टिक में दिए गए। एंड डोर ग्रैब हैंडल आपको प्लास्टिक में दिया गया। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ORS के कंट्रोल। ORS आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, बट ये फोल्डिंग नहीं मिलते आपको ORS। और नीचे आपको मिल जाएंगे बोटल होल्ड एंड पॉकेट्स। और यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। ओल्सो आपको यहाँ पे इसका प्लेट्स भी मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा हेडलैम्प लाइटिंग स्विच। और AC वेंट्स के अराउंड आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। एंड अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील आपको 3 स्पोक्ड दिया गया। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। और स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें लेदर एड मिल जाता है। स्टीयरिंग के ऊपर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है। और अब क्लस्टर की बात करें तो क्लस्टर एनालॉग दिया गया। लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा टैकोमीटर, बीच में MID और राइट साइड स्पीडोमीटर दिया गया है। MID में आप देख सकते हैं ट्रिप्स, ओडोमीटर, टेम्परेचर, फ्यूल गोज, कूलेंट टेम्परेचर, स्पीडोमीटर एंड अदर इन्फॉर्मेशंस। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल और राइट साइड हेडलैम्प्स के कंट्रोल दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगी क्लॉक। और अब इंफोटेनमेंट की बात करें, इंफोटेनमेंट आपको आफ्टर मार्केट मिल जाती है, काफ़ी बड़े साइज़ की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको यहाँ पे। इंफोटेनमेंट आपको एंड्रॉइड बेस्ड मिल जाता है। टच रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया दिया गया इसमें, बेसिकली आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा टैब मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हैजार्ड लैंप बटन एंड मैनुअल AC मिल जाता है आपको ई+ वेरिएंट में। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 12V सॉकेट। एंड नीचे आपको फ़ोन रखने के लिए कंपार्टमेंट मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल के साथ मिलती है आपको हुंडई क्रेटा।
शिफ्टर के दौरान आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। एंड सेंटर कंसोल में आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। ऑल्सो यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है। एंड यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाएगा। आर्म रेस्ट के अंदर आपको डिसेंट साइज़ की स्टोरेज मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मैनुअल डिमिंग आयरन दिया गया है। एंड कोड दब साइड वैनिटी में मिल जाएगा। और ये इतना ब्लॉक करता है साइड विंडो को, ऑलमोस्ट मन थर्ड विंडो को छोड़ देता है सनवाइजर। और उसमें आपको मिल जाएगी नॉन फोल्डिंग रैप रेल्स। बट ड्राइवर साइड वैनिटी में नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। एंड ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। मैनुअल्स वगैरह यहाँ पे इजीली आ जाएंगी। एंड अब सीट्स की बात करें, फ्रंट सीट्स के एडजस्टेबल हैं। ड्राइवर सीट 8 वे एंड को ड्राइवर सीट 6 वे एडजस्टेबल मिल जाती है, जहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइवर सीट की हाइट। सो चलिए अब देख लेते हैं रियर सीट कंफर्ट। एंड अब रियर डोर पर दिए गए कंट्रोल्स की बात करें, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पावर विंडोज़ के कंट्रोल। प्लास्टिक डोर हैंडल्स दिए गए हैं। नीचे आपको मिल जाएंगे बोतल होल्डर एंड पॉकेट्स। और यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। ऑल्सो रियर डोर्स के ऊपर आपको स्कर्ट प्लेट्स मिल जाएंगी। एंड अब देख लेते हैं इसका कैबिन स्पेस। काफ़ी बढ़िया कैबिन स्पेस मिल जाता है आपको उनके रेटा में। फ्रंट की ड्राइवर सीट मेरे रेट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरे रेट है 510। ऑल्सो दिए पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एसी वेंट्स भी दिए गए। एंड सेंटर में आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा तो नहीं बट नॉर्मल साइज़ का मिल जाता है। रूफ में आपको एक रेलिंग लैंप मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी नॉन फोल्डिंग रैप रेल्स विद अ कोट हुक। बट रियर सीट्स के एडजस्ट इंटीग्रेटेड है। बेंच फोल्डिंग मिल जाती है आपको रियर सीट्स। सो आपको इसमें मिल जाता है 1.4 लीटर का डीजल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 89 bhp एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 224 nm। काफ़ी पावरफुल इंजन मिल जाता है आपको क्रेटा में। बोनट के ऊपर इंसुलेशन नहीं दी गई। अब भाई इसकी की बात करें तो आपको कुछ ऐसे टाइप की मिल जाती है। हुंडई की तरफ से आने वाले आपको टिपिकल कीस मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे लॉक अनलॉक एंड होल्ड टू बूट अनलॉक के बटन्स। फ्लिप की मिल जाती है आपको क्रेटा में। कीज़ आपको मैट फिनिश में मिल जाती है। ऑल्सो आपको की के ऊपर क्रोम फिनिश भी मिल जाएगी। अब इसमें आपको एक्सेसरीज मिल जाती है। एक तो फोग लैंप्स दिए गए हैं। फोग लैंप्स के अराउंड आपको DRS भी मिल जाते हैं। रनिंग इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको इसमें। ऑल्सो आपको एक ग्रिल भी आफ्टर मार्केट मिल जाएगी। और आपको इसमें रेन वाइजर्स मिल जाएंगे एक्सेसरीज में। रूफ रेल्स भी आपको एक्सेसरीज मिल जाती हैं। एंड आपको इसमें मिल जाएगा स्टीयरिंग कवर। और आपको ये इंफोटेनमेंट भी एक्सेसरीज मिल जाएगा। एंड ऑल्सो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी एक्सेसरीज में दिए गए। और एक गाड़ी चली हुई लगभग 31,000 किलोमीटर। ये गाड़ी आपको मिल जाती है लगभग 10 लाख में। नेगोशिएबल है प्राइस। और ये वेरिएंट है E+ 1.4 डीजल 2019 मॉडल है। ये फर्स्ट ओनर मिल जाती है आपको ये हुंडई क्रेटा। और इसका इंश्योरेंस अभी वैलिड है। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं आप। एंड चैनल पर ना तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।